हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्टर्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ अ गवर्नमेंट इंटर्नशिप। और इस इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड के साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड अप्लाई करके मैं प्रॉपर दिखाऊंगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो इंटर्नशिप का नाम है NCGG इंटर्नशिप प्रोग्राम, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये इंटर्नशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफर किया जा रहा है आप लोगों के लिए इन डिफरेंट वर्टिकल्स एंड यूनिट ऑफ NCGG। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो वो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, आप यहाँ पे एलिजिबल है, बट आपका जो कोर्स है वो 4 या 5 साल का है और आप लास्ट ईयर में, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ पोस्ट ग्रेजुएशन जो लोग परसू कर रहे हैं, PG डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कोई एडवांस अकेडमिक डिग्री कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके अकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैक्सिमम एज लिमिट भी है यहाँ पे 30 ईयर्स, तो अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है आप एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ और भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन परसू कर रहे हैं या फिर जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया, ठीक है। इसके बाद इसके ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आपको 8 वीक्स के लिए और मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप करनी होती है, बट डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इंटर्नशिप करनी है। इन केस आप मिड में इस इंटर्नशिप को छोड़ रहे हो तो हाँ, हो सकता है कि आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिल जाए, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब लास्ट में अपना वो जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो सबमिट कर देते हो और प्रेजेंटेशन सबमिट कर देते हो, ठीक है। यानी कि आप अपना जो इंटर्नशिप का जो जितना भी टाइम ड्यूरेशन है वो कंप्लीट कर लेते हो तभी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे डोमेन्स एंड एरियाज है जिसमें आप इंटर्नशिप करते हो, ये सारे एरियाज आप एक बार देख सकते हो। आपका जो भी इंटरेस्टेड एरिया है उसको आपको मार्क करना होगा जब हम इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। देन सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपके एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग की जाती है शॉर्टलिस्टिंग के लिए। सो आपकी एप्लीकेशन पहले शॉर्टलिस्ट होगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और आपकी जो इंटरव्यू होगी वो या तो ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है, तो ये अभी कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा। और जब आप अप्लाई करोगे वो आपको ईमेल के थ्रू या फिर जो मोबाइल नंबर आप दोगे उसके SMS के थ्रू पता चल जाएगा। तो ये कॉन्वर्सेशन के मीडियम्स होते हैं, तो आपका जो ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, वो एक्टिव होना चाहिए। तो एट अ टाइम सिर्फ 20 कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया जाएगा। अब विंटर इंटर्नशिप जो है, इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है इस मंथ में, वो लास्ट डेट क्या वो मैं आगे आपको दिखा दूंगी, लेकिन इस बार जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट किया जाएगा। एंड फर्दर नेक्स्ट मंथ में इसकी एप्लीकेशन फिर से ओपन होगी और उस मंथ में भी फिर अगेन 20 स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक एंड कुछ सपोर्ट्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद अरेंज करनी होगी। ट्रैवल, बोर्डिंग एंड लॉजिंग के लिए वो आपको खुद अरेंज करना होगा। यहाँ पे आपके पास खुद का एक लैपटॉप होना चाहिए एंड NCGG जो है ये आपको एक वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करेगी जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ होगी, बाकी कुछ नेसेसिटीज़ होगी जो कि रिक्वायर्ड होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो 10,000 पर मंथ की स्टाइपेंड आपको मिलेगी, ठीक है। 10,000 के अलावा आपको कुछ भी किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है या कोई भी अलाउंसेस नहीं दी जाती। ये एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे स्टाइपेंड नहीं भी मिल रहा है ना तो भी आपको करना चाहिए। पहली चीज़ तो सिलेक्शन सबका होगा नहीं, ठीक। 20 स्टूडेंट्स का एट अ टाइम सिलेक्शन हो रहा है और ऊपर से ये आपको स्टाइपेंड के साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दे रहा है। तो गवर्नमेंट इंटर्नशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एक भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो आई थिंक सफिशियंट है। एंड मुझे लगता है हर स्टूडेंट को एक कोई ना कोई एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप करना चाहिए। एंड डजेंट मैटर कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस एरिया के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप आई है या नहीं। अब यहाँ पे जितने भी हमने आपको यहाँ पे डोमेन्स दिखाए, इनमें से अगर कोई डोमेन ऐसा नहीं है जो आपके इंटरेस्ट को मैच करे, तब भी आप इसके लिए अप्लाई करो, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा डोमेन होगा ही जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली आपको यहाँ पे रिसर्च, रिपोर्ट राइटिंग एंड एनालिसिस, ये 3 काम होंगे। एंड जो भी डोमेन आप सेलेक्ट करोगे उस डोमेन के अकॉर्डिंग
साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अटेंडेंस। 80% मिनिमम आपको अटेंडेंस मेंटेन करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। अगर 80% मिनिमम अटेंडेंस आपकी मेंटेन नहीं होती है या इतनी अटेंडेंस नहीं होती है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका काम, दूसरा अटेंडेंस। जैसे आपका इंटर्नशिप ओवर हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और प्रेजेंटेशन बनाना होगा। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे टर्मिनेशन के बारे में भी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन के बारे में भी, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना। टर्मिनेशन हो सकता है किसी भी स्टूडेंट का जो भी यहाँ पे सेलेक्ट होंगे बेस्ड ऑन योर जो आप काम करोगे उस काम में आपके प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। अगर प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है या फिर कोई भी इस तरीके का इरेगुलरिटी देखने को मिल रहा है या इनडिसिप्लिनरी इश्यूज है या कोई रेगुलर बेसिस पे प्रेजेंट नहीं है, अटेंडेंस की शॉर्टेज है, तो इन सब बेसिस पे आपको यहाँ पे टर्मिनेट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी लास्ट डेट क्या है। इस मंथ यानी कि सितंबर में 1st to 10th तक की आपकी एप्लीकेशन चल रही है, यानी कि लास्ट डेट है 10th September 2024। इसके बाद जो लोग भी ये वीडियो 10th के बाद देख रहे हैं तो वो 1st to 10th October के मंथ में 1 से लेकर 10 तारीख किसी भी डेट में अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर 10 से पहले ही आप अप्लाई करो, ठीक है। तो अगर आपसे ये अपॉर्चुनिटी अभी मिस हो रही है तो मेक श्योर वीडियो को सेव कर लो और याद रखना कि नेक्स्ट मंथ आपको 10 तारीख से पहले अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के लिए इस अप्लाई है पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपका बायोग्राफी आ जाएगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जिसमें सबसे पहले आपका नाम है, फादर्स नेम है, एड्रेस आपका परमानेंट या करस्पॉन्डेंस जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। एंड मेक श्योर जो आपका पिन कोड है 6 डिजिट का वो भी यहाँ पे एंटर करना। स्टेट डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर आप स्किप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आपको ज़रूर से भरना है, ईमेल आईडी डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, तो 12th की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप देंगे, तो जो भी बोर्ड है जिस भी ईयर में आपने 12th पास किया है वो फिल करना है, डिसिप्लिन क्या है और कितने परसेंटेज आया। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका जो भी है उसमें आपको यहाँ पे टिक कर देना है, मैक्सिमम 3 डोमेन ही आप फिल कर सकते हैं। जिस भी डोमेन में आपने अपनी ग्रेजुएशन किया है या जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है उसको टिक करने के बाद अपने बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 वर्ड्स के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। अपने स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के बारे में बताने के बाद प्रिफर्ड इंटर्नशिप ड्यूरेशन यहाँ पे चूज़ करना है, जिस भी मंथ्स में या जिस भी ड्यूरेशन में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें से पहला है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यह आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिलेगा। उसके बाद लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड करने होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका रिज्यूमे यहाँ पर सेलेक्ट हो तो मेक श्योर कि आप अपने रिज्यूमे को सही तरीके से बनाओ, और इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमने बहुत इजी तरीके से बताया है, कम टाइम में इवन आप 5 मिनट के अंदर आप एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हो। और इस रिज्यूमे में हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने कोई इंटर्नशिप नहीं किया है, फिर भी आप अपने रिज्यूमे को अच्छे तरीके से बना सकते हो ताकि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो। मेक श्योर कि वो वीडियो एक बार ज़रूर देखो। देन गवर्नमेंट आईडी कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे आप अपलोड कर लेते हो नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड देन फाइनली आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।